शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत छात्र छात्राओं को अनेक प्रकार की सुविधा देने की बात कह रही है, जैसे बाउंड्री वॉल, शौचालय, स्वच्छ पानी आदि। वहीं उमरिया जिले के ग्राम छायन में 2013 से प्राथमिक पाठशाला संचालित की गई है, लेकिन आज तक वहां स्कूल भवन नहीं बनाई गई है। स्कूल भवन न होने के कारण घरों में क्लास लगाई जाती है और छात्र छात्राओं को शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत मिलने वाली सुविधा से वंचित हैं। साफ साफ लिखा 2 से 20 तक। हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, लड़कन को हम भेज रहे हैं, छोटे छोटे 5 साल 6 साल के लड़के हैं, दूरी पास नहीं जा रहे हैं, तो हम यहाँ पढ़ाते हैं। अखर उखर घर दूठे 3 ठे घर हम उनमें पढ़ा डा रहे हैं, बाकी कोई 2 साल को देता है, कोई साल भर को देता है, गुजर भर एक तो है घर, बाकी पूरी घर नहीं दें कि 4-4, 5-5 साल का दे दिए, कौन नहीं दे रहा है। तो अब आंसू की समीक्षा और ज़्यादा है, आंसू एको घर नहीं मिल रहा है, बाकी जबरदस्ती 2 दिन रोज दई दे, 4 रोज दई दे भाई, या मेरे से हम गुजर लड़कन को कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ सब वैसे टीना टप्पा लगा, पूरी गर्मी भी हो जाता है, अरे सर कोई यहाँ नहीं देखता है। हम सब के यहाँ 181 भी में लगाए, कलेक्टर साहब भी के लगाए, ग्राम सेवा के भी में दिए, कोई सुनायत नहीं। अभी भी आए थे सरपंच सरपंच को छान वाले, तो देख सुन के अपने समझ में नरियर नरियर फुरा गए थे। उनको बोले तो कहते हैं कि अभी कलेक्टर साहब मंजूरी नहीं दिया है, कि अभी सूचित नहीं किया है, दुनियादारी से बता के चले जाते हैं, जैसे अपना को बहुत समस्या पड़ जाती है। मेरे समझ में तो नहीं आता है सर, अब इसे पंचायत में दे देंगे, वहाँ से कलेक्टर साहब को बोलेंगे, कलेक्टर साहब बोलेगा पंचायत को, तो पंचायत दो तो आए तो होगा क्या करेगा, फिर आके इसे मन भर देगा कि ऐसा ऐसा हो गया है जी। तो आपने शिकायत कहाँ कहाँ पर किया है? हम किए हैं कलेक्टर साहब के यहाँ 3-4 बेरी, मंत्री साहब भी के यहाँ पहुँचा दिए हैं, पे हो गया सब, पौती भर मिलता है, काम कुछ नहीं होता है। पहले 2 बार फोन आया तो वो नंबर लगाते हैं तो फोन में कुछ नहीं चलता है, पे लगाते हैं तो कहते हैं तुम्हारा रिपोर्ट जारी हो गया है। ये कब बोले थे लगभग? ये बोले थे आज मंगल है, बुध सर पर सोमवार को बोले थे कि आपका काम जारी है। हाँ, जन सुनवाई में दिए हैं, कलेक्टर साहब को दिए हैं, अपन कागज पाथर गांव वाले समिति बना बना के लिख पढ़ के, बाकी हमारा यहाँ कोई अभी सुनाई तो नहीं है। तो कहते साहब बन जाए तो बहुत बढ़िया रहा, लड़का बच्चन को बहुत खुशहाली भी रहा, लड़का बच्चा भी है कम से 50-60 लड़के भी है, बहुत परेशानी आता है सर, पानी आने बिगड़े लगे तो कुछ यहाँ कान खींच हो जाता है। यह वीडियो देखने वाले सभी दर्शकों से मैं अपील करता हूँ कि हमारे उमरिया ज़िले के कलेक्टर साहब हैं माल सिंह, जिनका ऑफिस का नंबर है 076-53-22-26-00 और इनका मोबाइल नंबर है 96-85-77-26-66। यह नंबर पर कॉल करके हमारा सहयोग करें, जिससे जल्द से जल्द छायन गांव में प्राथमिक पाठशाला बन सके। मैं रामलाल बैगा, ग्राम छायन, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ट के लिए।